लखनऊ से इस वक्त की दरअसल ये बड़ी खबर, अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चल रही जांच पूरी, जांच में दोषी नहीं पाए गए आईपीएस अमिताभ ठाकुर। धरने पर बैठने को लेकर चल रही थी जांच, 2016 में सीएम आवास के सामने धरने को लेकर जांच मामले की जांच कर रहे थे डीजी सीबीसीआईडी वीरेंद्र कुमार। 2016 में सीएम आवास के सामने धरने को लेकर जांच है, मामले की जांच कर रहे थे डीजी सीबीसीआईडी वीरेंद्र कुमार, और अब यह पाया गया है कि जो आरोप उन पर लगे थे, यानी कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चल रही जांच पूरी हो गई है, आरोप सिद्ध नहीं हुए, जांच में दोषी नहीं पाए गए हैं आईपीएस अमिताभ ठाकुर। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी लखनऊ से। 2016 में दरअसल सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे और उसके बाद इन पर जांच शुरू की गई थी।